कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तो नजर बीजेपी पर टिकी हुई थी कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कब जारी करेगी। तो आज ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस दूसरी लिस्ट में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। खास बात यह है कि 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी इस बार चुनाव में मौका मिला है। दूसरी लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 88 सीटों पर अब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, यानी कि अब केवल 2 सीटें ही बची हैं। पहली लिस्ट में 67 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था और 2 सीटों पर अब ऐलान होना बाकी है। विनेश फोगाट के खिलाफ किसे मौका मिला है, आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिरोजपुर झिरका सीट से नसीम अहमद, पुनहाना सीट से एजाज खान को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो जुलाना सीट पर कैप्टन योगेश बैरागी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि विनेश फोगाट के खिलाफ बैरागी ताल ठोकेंगे और यहां से कांग्रेस के टिकट पर पहलवान विनेश फोगाट मैदान में हैं, ये आप सभी जानते हैं। वहीं नारायणगढ़ से श्री पवन सैनी, पेहोवा से जय भगवान शर्मा, पुंडरी सीट से सतपाल जांबा, असंध से योगेंद्र राणा, गन्नौर सीट से देवेंद्र कौशिक को टिकट मिला है, राय से कृष्णा गहलावत, बड़ौदा सीट से प्रदीप सांगवान चुनाव लड़ेंगे, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी और नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी। इसके अलावा डबवाली सीट से सरदार बलदेव सिंह मलियाना और एलनाबाद से अमीर चंद मेहता, रोहतक से मनीष ग्रोवर, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार और पटौदी से बिमला चौधरी चुनाव लड़ेंगी और नूह से संजय सिंह का नाम सामने आया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुनहाना से एजाज खान, हथिन से मनोज रावत और होडल से हरविंदर सिंह राम रतन मैदान में है। इसके अलावा बड़खल से धनेश अदलखा का नाम लिस्ट में है, तो 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज खान बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ नारायणगढ़ से हमने आपको बताया कि पवन सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, नूह से संजय सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, होवा से उम्मीदवार को बदला गया है, ये खास बात है इस लिस्ट में। अब यहां से जय भगवान शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कड़े विरोध के चलते मंगलवार को ही पेहोवा से कवलजीत सिंह अजराना ने मैदान छोड़ दिया था और उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को इस संबंध में चिट्ठी लिख दी थी। अजराना ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आभारी हैं जिन्होंने उन पर भरोसा कर चुनाव लड़ने का मौका दिया था, लेकिन क्षेत्र के लंबे समय से पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मनाने की भरसक कोशिश किए लेकिन वो उनके चुनाव लड़ने पर राजी नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ी दुखी मन से चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया, कहा कि मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है। यह भी कहा कि विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं में उनके अपने समाज से जुड़े लोग भी हैं और ऐसे अपने समाज और भाईचारे को निराश करके वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे माहौल में पार्टी की जीत पर भी असर पड़ सकता है और पार्टी जिसे भी मैदान में उतारेगी उसका भरपूर समर्थन हम करेंगे। तो पिहोवा सीट पर प्रत्याशी बदल चुका है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट के आने के बाद ही बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे थे और कहा जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में उस बगावत को दबाने के लिए या यूं करें ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखना है कि दूसरी लिस्ट के बाद क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या कुछ सीटों पर कैंडिडेट बदलने का दबाव बनाया जाता है आलाकमान पे, या फिर कुछ लोग नाराज़गी के साथ रेजिग्नेशन भी देते हैं बीजेपी में, अपना इस्तीफा सौंपते हैं, इन सब पे नज़र बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।